हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट क्लास। दोस्तों, आज इंडिया में जितने भी प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं वे या तो ज्यादातर प्लेयर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, उन सभी प्लेयरों के लिए क्रिकेट में पैसा मिलना, सैलरी मिलना एक स्पोर्ट का बहुत ही बड़ा काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट में कब सैलरी स्टार्ट होती है यानी कब आपको पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि दोस्तों आपको भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और आपको पूरी जानकारी हो सके कि क्रिकेट में कब पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले एकेडमी लेवल पर खेलते हैं यानी क्लब लेवल पर। वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई सैलरी नहीं मिलती, वहां पर आपके कोई भी पैसे नहीं दिए जाते। आप मैचेस कोई भी खेलो, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हैं स्टार्टिंग में, तो दोस्तों उसके भी आपको पैसे नहीं दिए जाते यानी स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी सैलरी स्टार्ट नहीं होती। प्लेयरों को सैलरी दी जाती है वो दोस्तों स्टेट लेवल पर दी जाती है यानी जब आप स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो दोस्तों आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, स्टेट लेवल पर 3 टूर्नामेंट में आपको रुपए दिए जाते हैं यानी प्लेयरों को 3 टूर्नामेंट के लिए सैलरी दी जाती है। सबसे पहली है रणजी ट्रॉफी, फिर विजय हजारे ट्रॉफी, फिर शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि रणजी ट्रॉफी में कितनी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में एवरेज सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है, आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एवरेज सैलरी आपको 3 स्लैब में दी जाती है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जिन प्लेयरों को 40 मैचेस खेलने का प्लस का एक्सपीरियंस होता है उनको एक दिन के 60,000 रुपए दिए जाते हैं यानी दोस्तों एक मैच 5 दिन का होता है यानी 5 × 60,000 = 3 लाख रुपए एक मैच के दिए जाते हैं। फिर जिन प्लेयरों का एक्सपीरियंस 21 से लेकर 40 मैचेस का होता है उनको पर डे के 50,000 रुपए दिए जाते हैं। इस हिसाब से 50,000 × 5 = 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और फिर जिन प्लेयरों को 21 मैच से कम का एक्सपीरियंस होता है उनको पर डे के 40,000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों 5 दिन के 1.6 लाख रुपए हुए। और दोस्तों, रणजी ट्रॉफी के एक टूर्नामेंट में 8 लीग मैचेस होते हैं और इसके अलावा एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, इसके अकॉर्डिंग प्लेयरों को सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्टेट लेवल पर जो दूसरा टूर्नामेंट होता है वो है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दोस्तों एक मैच के आपको 50,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्लेयरों को पर मैच के हिसाब से 17,500 रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह प्लेयरों की सैलरी स्टेट लेवल पर दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयरों की सैलरी करोड़ों रुपए में होती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।